अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को किया नाराज, फिर होगा संग्राम। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी गठबंधन में खटपट की खबर आई, लेकिन अब अखिलेश यादव से चाचा शिवपाल यादव भी नाराज बताए जा रहे हैं। इस वजह से अखिलेश यादव की मुसीबत बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की तैयारी भी शुरू कर दी है। निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव के सहयोगियों के अलावा शिवपाल सिंह यादव भी नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इसी वजह से चाचा शिवपाल निकाय चुनाव में एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं, जितने बीते दिनों उन्हें देखा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिवपाल यादव अपने करीबियों को टिकट दिलाना चाहते थे। इसमें सपा नेता पार्टी का विलय होने के बाद साथ आने वालों को टिकट दिलाना चाहते थे। सूत्रों का दावा है कि शिवपाल यादव ने अपने करीबियों को टिकट दिलाने के लिए एक लिस्ट अखिलेश यादव के पास भेजी थी, लेकिन इस लिस्ट को नजरअंदाज किया गया और चाचा शिवपाल के करीबियों को टिकट नहीं मिला। अखिलेश यादव के इस फैसले के बाद चाचा शिवपाल अभी तक चुप हैं, जिसके बाद तमाम सवाल उठने लगे हैं। इस वजह से राजनीति के जानकारों का कहना है कि सपा में फिर से अनबन बढ़ सकती है। हालांकि चाचा शिवपाल यादव के अलावा सपा गठबंधन के दल भी नाराज बताए जा रहे हैं। अपना दल कमेरावादी ने पहले ही अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने कई जगहों पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। हालांकि इसके अलावा RLD प्रमुख जयंत चौधरी भी अखिलेश यादव के फैसलों से नाराज बताए जा रहे हैं, जिसके बाद RLD ने भी बड़ौत और बिजनौर में अपने सपा के खिलाफ अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं।